तो क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्होंने जो कंपनी के बारे में समझा है उन्होंने कंपनी के बारे में जो सोचा है वो सही है या नहीं वो तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही पता चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमने समझा है जो भी हमने कंपनी के बारे में जाना है वो हमें अल्टीमेटली सेल्स और प्रॉफिट के रूप में दिखना चाहिए क्योंकि किसी भी कंपनी का इवेल्युएशन उसके रिजल्ट से ही होता है तो अभी रिसेंटली एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है और उस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने हाइस्ट एवर प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है और ये एक टाटा कंपनी है जिसमें रिसेंट

जहां पर हम टेक्निकल्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं एंड बाई चांस अभी तक आपने लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक महीने के लिए ट्राई करके देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में लर्निंग कम्युनिटी में जो हम नॉलेज शेयर करते हैं जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो आपका बहुत काम आ सकता है और लर्निंग कम्युनिटी का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा तो अभी सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पेल्स में सिक्स हंड्रेड एंड का ग्रोथ हुआ है यानी सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट छह गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पांच गुना से ज्यादा बड़ा है और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी जो है उसने अराउंड थर्टीन का लॉसेस पोस्ट किया था लेकिन इस क्वार्टर में ये कंपनी अराउंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव करोड का नेट प्रॉफिट पोस्ट करता है और वही अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर करके देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स से है वो एटी बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हुआ है ऑफ अबाउट वन का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ट्वेंटी बढ़ा है जो कि लास्ट क्वार्टर में फिफ्टी था इस क्वार्टर में नाइन है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी टू बढ़ा है और ये जो क्वार्टर

Of the you made a big swinging bet on Tejas networks. Yes. First, when did you bet and why did you bet on Tejas? So I was watching and I bought first quantity of Tejas maybe in 2017 or something at 400 rupees. And the stock fell down to 40 rupees during Covid. So 400 to 40? 400 to 40. And that didn't unnerve you? No, because of course it did unnerve me, but I was I, the, the bet was very small. And I was I was hopeful that one day this company will turn around because they were making equipments for telecom and telecom as a sector was doing uh, very bad. Well. Okay, so in in 2020 when company market cap was just 40 45 crore rupees, company had 120 crore rupees in cash. Amazing. So it, there was no brainer. No, no brainer. You know. Yeah. So I bought some 50 lakh shares, whatever shares I could get at that. तो विजय केडिया जी का जो इन्वेस्टमेंट फंडा है वो बहुत ही सिंपल है वो अच्छे बिजनेस फंडामेंटली कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं उन्होंने खरीदा उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिरा तो जो बिजनेस उन्हें हायर प्राइस पे पसंद आ रहा था वो बिजनेस उन्हें लोअर प्राइस पे भी पसंद आएगा और वो और खरीदेंगे जैसा कि उन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला था और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट हो रहा है और ऐसे टाइम पे आपके लिस्ट में वो कौन से कंपनीज है जो आज के टाइम में ऐसे गिरावट के टाइम में आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसको आप कमेंट्स में बताइए और उसके साथ साथ ऐसे जो क्वालिटी कॉन्टेंट हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उसके लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं

थोड़ा देख सकते हैं और उसको थोड़ा समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या क्या प्लान किए हुए हैं और अभी कौन से प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस है तो सबसे पहले तेजस नेटवर्क्स अपने वायरलेस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है जहां पर वो ये बताता है कंपनी अभी जो बी का जो पैन इंडिया नेटवर्क है उसके ऊपर जो काम कर रहा है उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने अराउंड फिफ्टी प्लस साइट के लिए इक्विपमेंट्स को शिप कर दिया है और उसके अलावा कंपनी को फोर जी के रिलेटेड कुछ एडिशनल ऑर्डर भी मिले हैं और उसके बाद कंपनी अपने वायरलाइन बिजनेस के बारे में यह अपडेट देता है

प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दू ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रूरल और रिमोट एरिया जो है इंडिया के उसको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं और वहां पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके अलावा वायरलाइन में कुछ और की अपॉर्चुनिटीज है डी डब्ल्यू डी का एक्सपेंशन एफ और नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन के जो डील्स कंपनी को मिल रहे हैं तो वहां पर भी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है और इन सारे डेवलपमेंट के अलावा कंपनी जो है वो वोडाफोन आइडिया के साथ भी काम कर रहा है और प्रेजेंटली वो वोडाफोन आइडिया के लिए नेटवर्क इक्विपमेंट्स के ट्रायल्स कर रहा है और ये जो ट्रायल्स है बाय एंड ऑफ द मंथ कंप्लीट होना चाहिए ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में बताया था तो ये था तेजस नेटवर्स का क्वार्टरली का अपडेट और अगर तेजस नेटवर्क के रिलेटेड कुछ और अर्जेंट अपडेट निकल के आता है कुछ और न्यूज आता है कुछ और डेवलपमेंट होता है तो आई मेक श्योर आई पोस्ट दैट इमीडिएटली इन द लर्निंग कम्युनिटी और उसके अलावा अगर आप फंडामेंटल्स के क्लासेस देखना चाहते हैं टेक्निकल्स के क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको लर्निंग कम्युनिटी में मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो लर्निंग कम्युनिटी को एक महीने के लिए ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं एंड आई श्योर वहां से आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल सकता है सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो